सीएम शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव आने के बाद से चिराय हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जहां उनका इलाज जारी है। बावजूद इसके वह मंगलवार को कैबिनेट की बैठक लेंगे। यह बैठक वर्चुअल होगी, यह जानकारी गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दी है। इसके अलावा उन्होंने बयान देते हुए कहा कि कोरोना पूरे विश्व में फैल रहा है, बावजूद इसके प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्द ही इससे निजात मिल सके। अगर कोई तकनीकी दिक्कत होगी, जैसा आपने कहा कि लाइन नहीं खुली है, तो उस पर पुनर्विचार किया जा सकता है, पर आज वर्तमान में रोजगार की आवश्यकता तो है। दोनों चीज़ों का सामंजस्य मिलाना है कि हमने पुलिस के बारे में भी सोचा, जेल के बारे में भी सोचा। भर्तियां निकालने के पीछे एक युवा को आस भी रहती है, अगर कोई टेक्निकल दिक्कत है तो उसे दूर करने की कोशिश करेंगे अथवा विचार पुनर् करने की कोशिश करेंगे, और वो विभाग मेरे पास है। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि अब हम इस पर भी विचार कर रहे हैं कि जो हमारे कैदी आते हैं, नए कैदी जेल के अंदर आते हैं, उनका पहले परीक्षण हो और परीक्षण के परिणाम के बाद उनको अंदर बैरिक में लिया जाए। तब तक उनको जो हमारे यहाँ जेल के अंदर क्वारंटाइन की व्यवस्था है और अन्य व्यवस्थाएँ हैं, उन व्यवस्थाओं के अंतर्गत 12 घंटे 24 घंटे रखा जाए। चंबल एक्सप्रेस वे पूरा प्रक्रियाधीन है। तारीख अभी या महीना तो मैं नहीं कह सकता कि प्रधानमंत्री जी आएंगे, लेकिन उस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही गंभीर हैं, और हमारे मध्य प्रदेश के लिए, खासकर उस अंचल के लिए जिस अंचल में चंबल मैया बहती हैं, उस अंचल के लिए वो टर्निंग पॉइंट होगा, मील का पत्थर साबित होगा।